एंड मैं अंजू अग्रवाल अपने सभी दोस्तों का अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं तिल पापड़ बनाऊंगी। ये पापड़ आपने मार्केट से लाकर बहुत खाया होगा लेकिन घर में कभी नहीं बनाया होगा। आज मैं इसे घर में बना रही हूँ, आप भी इसे घर में बनाइएगा। ये सिर्फ दो चीज़ों से ही बन जाएगा, बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तिल पापड़ बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन को रखा है। अब इसमें थोड़ा सा तिल डालूंगी और इसे हम सेक लेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने तिल की क्वांटिटी नहीं बताई है कि मैंने कितना लिया है, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है, कितना चीनी लेना है, कितना तिल लेना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अब इसे थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, घी तेल वगैरह का। इसे इसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है, इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। और इसे रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 5 से 7 मिनट के अंदर में ये रोस्ट हो जाता है। रोस्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा, इसमें से हल्की हल्की सुगंध अच्छी आने लगती है, तिल हमारे फूलने लगते हैं और ये थोड़े से पटपट से इसमें आवाज़ होते हैं, इसके थोड़े कलर चेंज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसे भुनना नहीं होता है, नहीं तो तिल हमारा खारा हो जाएगा। तिल हमारा रोस्ट हो गया है, अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, थोड़ा इसे अभी चलाते रहेंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म है। अगर चलाना छोड़ देंगे तो तिल जल जाएगा और तिल जल जाएगा तो हमारे तिल पापड़ जो मैं बनाऊंगी उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेती हूँ। इसे प्लेट पर फैला दूँगी, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तिल ठंडा हो गया है, तिल को मैंने एक बाउल में रख लिया है, चीनी भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तिल पापड़ बनाने के लिए मुझे किस किस सामानों को तिल पापड़ बनाने से पहले तैयार करना होगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने चकला बेलन लिया है और ये मैंने छोटा सा छौंक पैन लिया है। आप सोचेंगे कि मैंने इतना छोटा सा ये लिया है तो इसमें कैसे बनेगा, तो मैं बहुत बड़ा सा तिल पापड़ नहीं बनाऊंगी, मैं छोटे छोटे पापड़ के साइज़ बनाऊंगी और इसे कई बैच में बनाऊंगी। आप सोचेंगे कि कई बैच में बनाने से तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत जल्दी और बहुत फास्ट बनेगा। बस इसे पहले से तैयार करके रख लेते हैं फिर ये टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने घी लिया है, चकले को मैं घी से ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से, पूरे में नहीं फैला रही हूँ क्योंकि मैं बस छोटे साइज़ में ही तिल पापड़ बनाऊँगी। बेलन को भी घी से ग्रीस कर लेंगे, ये बहुत जल्दी बहुत फास्ट बनेगा और इतना सॉफ्ट बनेगा कि जिनके दांत भी नहीं होंगे वो भी इसे खा लेंगे और बहुत जल्दी बनता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप ध्यान से देखना। देखिए मैंने तैयारी पहले कर ली है, ये मैंने एक स्पैचुला ले लिया है, स्पैचुला से जब इसमें से तिल निकालूंगी तो ये बहुत अच्छे से निकलेगा, इसलिए मैंने स्पैचुला लिया है। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं हो तो आप चम्मच का यूज़ कर लीजिएगा। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करूंगी, आप देखना मैं किस तरह से बना रही हूं। अभी भी आप सोचेंगे कि कितना तिल लेना है, कितना चीनी लेना है, वो तो मैंने बताया नहीं, लेकिन अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चकला बेलन को मैंने एक बार साइड कर दिया है, अब मैं बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। मैंने एक चम्मच लिया है, इस चम्मच से जैसे मैं एक नॉर्मल चम्मच ली हूँ, इसे मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ तो मैं 2 चम्मच ही तिल का भी यूज़ करूँगी। देखिए कैसे अब इसे बनाते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी लिया है, वो मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस चम्मच से लिया है। चम्मच आप एक ही यूज़ करिएगा, उसी नाप से तिल भी लीजिएगा। अब इसे हम चीनी को मेल्ट करेंगे, लो फ्लेम ही रखेंगे, नहीं तो चीनी जल जाएगा तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ों से ही हमारा टेस्टी टेस्टी तिल पापड़ बनके तैयार हो जाएगा। इसे मैं अब थोड़ा सा इसे चला लेती हूँ, देखिए चीनी मेल्ट होने लगा है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा क्योंकि चीनी जब जलना स्टार्ट होती है तो उसे आप रोकना चाहेंगे तो भी वो नहीं रुकेगा। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। जिस चम्मच से मैंने चीनी लिया था उसी चम्मच से मैं 2 चम्मच तिल डालूंगी। देखिए, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे अब मैं चकले पर फैला दूंगी।
अच्छी तरह से इसे मैंने मिला लिया है। ये काम हमें बहुत ही फास्ट करना है। मैंने चकला पे डाल दिया है। अब इसे हल्के हाथों से बेलन से घुमाते हुए थोड़ा ठंडा करूँगी। इस तरह से तिल पापड़ बनाना मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके ये गुण हमारे पास आज भी हैं। जब भी मैं तिल पापड़ बनाती हूँ उन्हें ज़रूर याद करती हूँ। अब आप जितना पतला बेल सकते हैं इसको आप बेल लीजिए। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। अब इस तरह का मैंने चमचा लिया है, इससे हम इसे उतार लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगता। कितना अच्छा से उतर गया है। इसे हाथ से थोड़ा और सीधा कर लेते हैं। बिल्कुल पतला पापड़ बना है, सेब पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। चलिए इसी तरह से मैं एक और बनाकर आपको दिखाती हूँ। चीनी मैंने वैसे ही मेल्ट कर लिया है। अब इसमें वापस से 2 चम्मच तिल मिलाऊंगी। अब इसे चकला पे पलट देंगे। ये काम बिल्कुल फास्ट करिएगा, नहीं तो ये ठंडा होने पे चकले से चिपक जाएगा और आपका तिल पापड़ भी नहीं बनेगा। और ये मैं बेलन लूँगी और देखिए एकदम हल्के हाथों से इसे दबाइएगा, तेज़ नहीं दबाना है। और आप ये मत सोचिएगा कि सारा तो चकला बेलन में चिप रहा है, ये नहीं चिपकेगा। देखिए अभी है ना चिपका हुआ, लेकिन ये देखिए अब ठंडा होगा। वैसे वैसे ये बहुत अच्छा तुरंत पापड़ बनेगा। अभी आपको यहाँ पे ये कैसे लग रहा है, लेकिन देखिए अब ये ठंडा हो गया है। अब इसे आप जैसे चाहेंगे वैसे आप बनाइए। देखिए चारों तरफ से अच्छे से सेट हो गया है। आप जितना पतला चाहें आप उतना पतला ले लीजिए। ये बहुत अच्छा तिल पापड़ बनेगा। मार्केट का हम लाते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता है, वो तो बच्चे खाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत कचकच होता है, बालू मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लोग साफ करके नहीं बनाते हैं। देखिए कितना अच्छा से हो गया हमारा बेलन पर का भी अपने आप सारा साफ हो गया, मुझे साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने आपको 2 बैच बनाकर दिखा दिया है। देखिए कितना ईजी तरीके से बना है। ये काम को बस आप फास्ट करिएगा, नहीं तो ये हार्ड होने लगेगा तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स आपसे एक बार और कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जोर से प्रेस करिएगा। देखिए कोई बात नहीं है, इसे थोड़ा आप हाथ से ऐसे दबा दीजिए। देखिए इसे हम थोड़ा लेट कर देते हैं तो ये जम जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। कितना अच्छा हमारा पापड़ बन गया है। देखिए इसी तरह से हम सारे बैच को बना के तैयार कर लेंगे। बहुत सारे बैच बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। ये बहुत अच्छा बना है, आप भी इस तरह से बनाइएगा। ये बहुत ही क्रंची बना है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है। आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली और भी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलती हूँ अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।